अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर लाइव जो रिसेंट मनाजिर हैं रशिया और यूक्रेन के, वो आप देख रहे हैं। और ये किसी सूरत भी अच्छा नहीं है दोनों ममालिक के लिए क्या बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है कि ये वॉर हो। और 21वीं सदी में इस तरह की वॉर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि हम इस तरह की कोई लड़ाई होगी और इन्वेजन होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। साइरन्स जो हैं वो बजाए जा रहे हैं और लोगों को, जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने कहा था कि आप पैनिक मत हो, आप परेशान ना हो, सुकून में रहें। मार्शल्ला जो है वो तमाम जगहों पे लगा दिया गया है यूक्रेन में, इस वक्त फुल मार्शल्ला है नाफिज वहाँ पर। और रशिया की फोर्सेस जो हैं वो इन्वेड कर रही हैं, वो अंदर घुस रही हैं यूक्रेन के। ये मामला ऐसा है कि इसको अगर अभी कुछ नहीं निकलता इसका सलूशन, तो फिर इसका कोई सलूशन नहीं है, फिर जानी और माली नुकसान ही इसका एट द एंड ऑफ डे फैसला वक्त करेगा कि क्या हुआ और कितना हुआ और कैसे हुआ। और ये जंग सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकेगी, ये फिर लपेटेगी बहुत सारे और ममालिक को अपने अंदर, अपने हिसाब किताब में। तो अब क्योंकि मामलात ऑलरेडी बढ़ गए हैं, यूएन के चीफ ने भी ऑलरेडी कहा है, अपना एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अब स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट तक की हद तक ही रह गए। क्योंकि एक दफ़ा फोर्स अगर अंदर घुस जाती है, उसकी कमांड एंड कंट्रोल फुल प्रिपेयर होके चले जाते हैं एयर फोर्सेस और जो अपनी आर्मी वगैरह है, उसके बाद फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो अब सिर्फ एक दुआ ही की जा सकती है और वो ये है कि जानी नुकसान कम से कम हो। माली नुकसान तो ऑफकोर्स ईंट से ईंट बच जाएगी, लेकिन जानी नुकसान कम से कम हो और खैर आफियत के साथ ये मामला निमट जाए और ये मामला सिर्फ इन दो ममालिक तक ही रहे, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में आना ले। क्योंकि पहले जो मामलात हुए हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, वो ऐसे ही स्टार्ट हुई है कि दो तीन ममालिक से मामला स्टार्ट हुआ और उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। सो होप फॉर बेस्ट, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा वक्तन फ़ा वक्तन इसी तरह की मज़ीद कि क्या चल रहा है, आगे क्या हो रहा है।